नमो सुभावेदो कनिवारेणाय।
मन वचन काय से होती है तो 36 हो जाते हैं और कृत कार्य तक मुद्रा से कर लिपक 3 से गुना करके 108 हो जाते हैं। इसलिए पापों की हिंसा के लिए 108 चलो नहीं है ठीक है। जैसा आपने पढ़ा सुना होगा वो अच्छी बात है, तो सभी लोग सुने एक और से कि 108 की मौतें क्यों होती हैं। बच्चों 108 मौतें इसीलिए होती हैं कि जो हम दिन भर की क्रियाएं करते हैं, जो हम दिन भर की क्रियाएं करते हैं, चाहे वो शुभ रूप हो या अशुभ रूप हो, पुण्य की क्रिया हो चाहे पाप की क्रिया हो, वो 108 प्रकार से होती है। कैसे प्रकार से होती है? 108 प्रकार से हमारी वो क्रिया चलती, चाहे वो शुभ रूप हो, जरूरी नहीं कि केवल पाप वाले ही क्रिया चलती हो, शुभ भी चल सकती है अशुभ भी होती है, क्योंकि मन वचन काय हर व्यक्ति को प्रतिपल सच्चे मान होता है। तो 108 प्रकार से क्या करता है जीव? पाप भी करता है और 108 प्रकार से पुण्य भी करता है। तो 108 प्रकार से जो पाप की प्रवृत्ति की थी, उन पापों की प्रवृत्ति के लिए हम 108 माला मोतियों की माला फेरते हैं, ताकि जो पाप हुए हैं वो हमारे पापों का क्षय हो जाए। तो देखो कैसे 108 प्रकार से होते हैं। क्योंकि हम मन वचन का है, हो सकता है कि आपसे अच्छी राइटिंग हमारे नहीं है, लेकिन आपको अच्छा समझना है, ठीक है ना? क्योंकि हम टीचर नहीं थे लेकिन टीचर ही थे, ठीक है ना? तो ये क्योंकि मन वचन का है। और इनमें थोड़ा सा जो अनुमोदना, तीन योग है और तीन योग है। आप देखना ये नौ कैसे होते हैं, कृत मन, कृत वचन, कृत काय, ये तीन हो गए। कारक मन, कारक वचन, कारक काय, ये तीन हो गए। फिर अनुमोदना मन, अनुमोदना वचन, अनुमोदना काय, ये तीन हो गए। कितने हो गए? नौ। तीन का गुणा तीन पे। लेकिन लोग कहेंगे कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय और मन वचन काय से करने से कितना हुआ हमें प्राप्त? नौ। अब देखना समारोह में आरंभ और प्रारंभ, ठीक है ना? समारंभ आरंभ प्रारंभ, ये क्रम आगे पीछे हो सकता है। समारंभ आरंभ प्रारंभ, ये कितने हो गए? तीन। तो समारंभ में मन वचन काय तीन, इसमें समारंभ में कृतकार्य अनुमोदना इस प्रकार से करते करते कितने भगवान के? तो नौ पे भारत कितना कितना गया? 27। कितना गया? कितना आ गया बच्चों? कितने लोगों से मैच बनती है? देखो 9 × 3 कितना हो गया? 27। भागसम में आगे ना कैसे भाग बनेंगे 27, है ना? पहले हमने इसका समझा दिया, इसी प्रकार ये तीन है, पहले इसका लेके इससे जोड़ेंगे, फिर इससे ऐसे करते करते 27 बनेंगे। तो 27 ये हो गए। ओ भैया जी ये बोर्ड हमको पकड़ लेते हैं, ये 27 हो गए। अब चार होती की कथाएं, 27 में चार का गुणा, तो कसाएं कितनी होती है बच्चों बताइए? कसाएं कितनी होती है? कौन कौन सी? क्रोध, आग, माया, लोभ। तो ये चार, 27 में चार का गुणा करेंगे कितना आएगा? कितना आया बोलो मुख से?
प्रकार से चाहे शुभ रूप का साई हो चाहे अशुभ रूप हो, पापमय हो या पुण्यमय हो, कृत कार्य संबंध आप पुण्य की करो या पाप की करो, मन वचन का पुण्य करो या पाप करो, आरंभ सारा प्रारंभ की क्रियाओं में पुण्य करो या पाप करो, ये 108 प्रकार से है जीव पाप और पुण्य की क्रिया में संलग्न रहता है। इसकी निवृत्ति के लिए हम 108 मोतियों की माला को एक माला मानते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि माला में कितने मोती होते हैं, 108 माला मोती होते हैं। और 108 मोती क्यों होते हैं, क्योंकि जो क्रिया जीव दिन भर में करता है शुभ रूप हो या अशुभ रूप वो उसके लिए 108। इसलिए दिन भर में आप कितने पाप करते हैं, एक काम करने के लिए 108 प्रकार के भाव हो जाते हैं। तो दिन में कितने सारे काम करते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं कर लेते हैं, तो इसलिए कम से कम पूरे दिन के पापों के आलोचना के लिए उनकी निवृत्ति के लिए एक काम करना है कि सबको दिन में एक माला थोड़ा प्रकार मन की खरीदना ही चाहिए। हम ये कहते हैं 10 फेर भाव 20 फेर भाव 25 फेर, कम से कम दिन भर में जो हमने क्रियाएं पाप कर दिए हैं, ये भगवान हमें मालूम है कि कौन कौन सी हमने क्रियाएं कर ली हैं ज्ञान वर्ष अज्ञान वर्ष, तो हमारी कम से कम उन पापों का क्षय करने के लिए एक माला तो हर श्रावक को फेरना ही चाहिए। अपने बच्चों से भी माला फिरवाना चाहिए, सही बात है, तो उन्हें अभ्यास में एक बार पढ़वाओ, फिर तीन बार पढ़वाओ, फिर नौ बार पढ़वाओ, धीरे धीरे उनकी अभ्यास आवश्यकता ये संस्कार डाल दोगे तो कल से कम हमारे बच्चों के जीवन में आने वाले असाता कर्म में कल से कम एक मंत्रों का जाप करता रहेगा तो कल से कम अपने असाता के कर्म में धैर्य रख करके उस असाता को साथ में बदल देगा। लेकिन हम बच्चों को पोयम याद करा देंगे, बच्चों को भी गाना याद करा देंगे, एक्टरों के नाम याद करा देंगे, लेकिन नाम कर्मों का नहीं सिखा पाते। कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इन सारी बातों को हम गौर कर देते हैं। बस पढ़ लो मेरे अड़ो काल में बोलो बोले तब क्यों पढ़ा जाता है, किसके लिए पढ़ा, कुछ भी ज्ञान नहीं कराते हैं। इन सारी बातों का ज्ञान कराना चाहिए बच्चों को, ताकि ये बच्चे ही जब बड़े होंगे यही बच्चे से अहंकार मत का महत्व समझेंगे, तो जब महत्व समझेंगे तो उस पद को पाने का प्रयास करेंगे। यही बच्चे हमें यही मंत्र सुना करके हमारे समाज मरण में हमारा समाज मरण कराएंगे। जिस चीज का बोध ही नहीं है तो उसका मतलब जिसका हमें महत्व नहीं पता चलेगा, हम उसको महत्व देंगे क्या, हम उसमें गर्व करेंगे कैसे। तो बच्चों रमोकार मंत्र जब भी सुबह उठो शब में पहले 9 बार रमोकार मंत्र पढ़ा करो, ठीक है ना, नहीं 9 बार पढ़ पाओ तो 3 बार जरूर पढ़ा करो। रमोकार मंत्र पढ़ने से हमारा मन पवित्र होता है, हमारे वचन पवित्र होते हैं, और जो हमारे शरीर में आने वाले रोग हैं वो दूर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना चाहिए हमें सुबह उठ करके, रमोकार मंत्र, और फिर उसके बाद आपसे में क्या बोलना चाहिए, जय जिनय, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए बोलिए, ऐसे नहीं, हाथ जोड़ो पहले एक दूसरे से बोलो, सबसे बोलो जय जिनय जय जिनय जय जिनय, जितनी बार जय जिनय बोलोगे उतने बार आपको आनंद आएगा, जब आनंद आएगा तो विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी तो मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो हमारे काम करने में आगे क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना बच्चों। यहाँ देखो सामने हम, अब हम प्रश्न आज रखते हैं कि हमें मंदिर कैसे आना चाहिए। देखो सबको मालूम है कि हम मंदिर नहा धो के आते हैं, आते हो ना, अच्छे कपड़े पहन के आते हो, स्कूल की ड्रेस में भी आते हो, कभी कभार आना पड़ता है ना, थोड़े से जाना पड़ता है, लेकिन हम मंदिर जब आते हैं तो कैसे आना चाहिए, सुनो सभी लोग, मुख साफ करके, मुख साफ मतलब वैद्य करके, क्योंकि मुख में किसी प्रकार का भोजन पदार्थ न छपे हो, ऐसा नहीं कि मंदिर आए हो गाड़ी में तो बिल्कुल खाती आ गए, टॉफी मुँह में डाल खाते हुए आ गए, सफारी मुँह में डाल के खाते हुए आ गए, नहीं, मंदिर में हमें पहले तो स्नान करके घर से निकलना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहा लिया कोई पुराने बासी कपड़े पहने जो कल पहने थे, नहीं, शुद्ध वस्त्र पहनिए। फिर उसके बाद जब मंदिर आते हैं ना, जो भी मंदिर आने के पहले दरवाजे के पास अपने जूते उतारते हो, अंदर पहन के आते हो, अंदर उतारते हो कि बाहर
बाहर। जो आपने जूते उतारे हैं क्या उनके साथ में आपने बोली उतारी कि नहीं? देखो बच्चों भूल क्या हो रही है, माता तो अपन को सिखाती नहीं है और न तो अपना पहना जूते उतारे चलो अंदर। ध्यान रखना बेटा कि हम पुण्य कमाने आते हैं पाप कमाने में, ये अभी संस्कार नहीं डालेंगे ना तो आगे जीवन भर बातें राजे रहेंगे, बातें राजे पाप कमाते रहेंगे। अभी हम उसका फल बताएंगे, पहले मंदिर में के बाहर अपने जूते उतारिए साथ में मोजे उतारिए। अब आपके मन में होता है महाराज जी मोजे क्यों उतारना, तो बच्चों से जूते आपके कपड़े के हैं ना, ऐसे मोजे भी आपके कपड़े के हैं। जब आप मोजे पहन के अंदर आ सकते हो तो जूते पहन के भी आ सकते हो फिर नहीं। आपका जैसे कि माँ मृत्यु हुई बड़ी पीड़ है और नींद आपकी छोटी मृत्यु है, बताया था हमने ऐसे ही कि जो जूते उम्र के बाहर हम लोग उतार दिए हैं लेकिन उसके अंदर के जो जूते हैं वो छोटे जूते हैं। एक बार के जूते धीरे आपके उन्हें पहनकर अगर आप बार बार आते हो तो आपको वही दोष लगेगा जो आप जूता चक्कर पहन के आते हो। पहले उन्हें बाहर उतारिए, भले ही कितने ठंडे के दिन हो, स्कूल जल्दी जाना पड़ता हो, आप दो मिनट पहले और आ जा पड़ते हो, लेकिन जूते मुझे बाहर उतारिए, फिर साफ पानी से अपने हाथ धोइए पैर धोइए। ये मत सोचना कि पैर तो गलती हुए नहीं, हम तो गाड़ी में बैठ के आए थे, हमारे अभी घर से ना गए, मुझे साफ पहने पैर भी साफ है, मंदिर में घुस जाओ नहीं, ऐसे नहीं सोचना। पहले जल से पैर धोइए फिर मंदिर में निश्चय तीन बार धोके प्रवेश करना चाहिए। ये बातें सब आपको पाठशाला में पढ़ा दी गई होंगी और सब जानते होंगे लेकिन इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए ये नहीं बताया। एक बार की घटना है बेटा कि एक ग्वाला सेठ जी के यहाँ काम कर रहा था। क्या कर रहा था? काम कर रहा था। तो वह गाय चराने के लिए जंगल रह गया और जंगल में गाय चरा रहा था। वह तालाब के किनारे गया, नहाया धोया, उसने देखा कि आज तालाब में बहुत अच्छे कमल खिले हुए हैं और वह अंदर घुसता गया और कीचड़ के बीच में जाकर एक कमल के फूल को तोड़ के ले आया। उसने सोचा कि ये फूल तो हमारे कोई काम का है नहीं, आज हम अपने सेठ जी को लेंगे तो आज हमारे सेठ जी बड़े खुश होंगे, आज ये फूल हम सेठ जी को दे देंगे। और वह गया शाम को गाय चराते हुए घर आए और उसके वो वसी हाथ तक पाते मिट्टी भरे पैर में भी मिट्टी छपी थी और कहा चला गया सेठ जी के पास। उसने कहा सेठ जी देखो आज हमारी जंगल गए थे तो वहाँ तालाब में ये अच्छा देखो कितना अच्छा पुष्प खिला था कमल, मैं तोड़ कर आया आप ऐसे लगेंगे। सेठ जी बोले मेरे क्या काम का, फूल तो बहुत अच्छा है, एक काम कर तो ये फूल ले जा करके राजा के पास रहता ताकि राजा इस फूल का पूजा में प्रयोग करेगा खुश होगा तो तुम्हें अच्छा इनाम दे देंगे। तुम ये फूल कहाँ ले जाओ बच्चों? कहानी कहाँ चल रही है चरमा वाले भैया? कहानी कहाँ चल रही है? फूल लेके वो कहाँ गया? सेठ जी के पास। सेठ जी ने उसे कहाँ भेज दिया? राजा जी के पास। तो राजा के पास जाता है और फूल देता है और जैसे ही फूल देता है तो राजा कहता है फूल तो बहुत अच्छा है, राजा जी मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो, ये फूल तुम जो लाए हो तुम हमारे मंदिर में चढ़ा के आओ। कहाँ चढ़ा के आ जाओ? हमारे मंदिर में चढ़ा के आ जाओ। वह बड़ी खुशी के मारे प्रसन्नता पूर्वक भक्ति पूर्वक कमल का फूल लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। उसने अच्छा किया कि बुरा किया? फूल चढ़ा के अच्छा किया ना, लेकिन भक्ति तो थी उसमें, प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाया लेकिन उसने हाथ पैर नहीं धोए थे और हाथ पैर नहीं धोए और फिर वो ऐसे चढ़ा के चला गया। कुछ दिनों के बाद वह बाला खत्म हो गया और जब खत्म हुआ तो उसने इतना चंद जान किया था कि हे भगवान मैं तो बाला हूँ, मैं ऐसी गाय चराता रहूँगा कब तक, अगर मैं कभी सेठ के घर में राजा के यहाँ बच्चा बनूंगा तो वो भक्ति करूँगा।
उसने इस प्रकार का निदान कर दिया था उस समय मंदिर में कि मैं भी अगर राजा का बेटा बनूं तो खूब पूजा करूंगा, खूब भक्ति करूंगा, लेकिन क्या करें भगवान, मेरी गरीबी है, मुझे मजबूर है। इस प्रकार के निदान करके वह जब मर गया था, मरने के बाद वह राजा के यहाँ राज पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। किसके यहाँ जन्म लिया उस समय? राजा के यहाँ राजा का बेटा बना, लेकिन जन्म से ही उसके हाथ पैर में खुजली थी। क्या थी हाथ पैर में? खुजली थी, चर्म रोग था। जन्म से ही सारे वैद्यों को दिखा लिया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुला लिया, बड़े बड़े तंत्र मंत्र करा के देख लिए, लेकिन उसके हाथ में कुष्ठ रोग, चर्म रोग था, खुजली थी, वह ठीक नहीं हो रही थी। बहुत सुंदर शरीर, बहुत अच्छा व्यवहार, सब कुछ था, बल था, ज्ञान था, रूप था, सब कुछ, लेकिन हाथ पैर में मात्र उसकी क्या कमी थी? खुली रही थी। जब राजा ने पढ़ा हुआ और राजा एक बार जंगल गया और जंगल में जाकर के एक पीतराग राज को देखा, उसने उन्हें नमस्कार किया और वहीं बैठ गया। महाराज के उपदेश चल रहे थे, उपदेश के बाद राजा ने पूछा, महाराज आपने जो कहा कि भक्ति के प्रभाव से भाव बदल जाते हैं और सुंदर काया मिल जाती है, अच्छे परिवार मिल जाता है, अच्छी जाति मिल जाती है, महाराज हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि इस हम परिवार में राजा के पुत्र बने? आपके अनुसार हमने जरूर इतना पुण्य किया हुआ, भक्ति की होगी कि आज हम राजा के यहाँ बेटे बने, लेकिन महाराज हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि हमारे जन्म से हाथों में पैरों में कुष्ठ रोग है, ये खुजली हो रही है, ये क्यों हो रही है? मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, बेटा तुमने पूर्व पर्याय में ग्वाली के परिवार पर्याय में एक कमल का पुष्प तोड़ करके राजा को फेंक दिया। राजा ने कहा कि जाओ तुम इसे माइजी ने भगवान के पास चढ़ा किया जाओ, और तुम वहाँ पर गए और भक्ति पूर्वक उन्हें पुष्प चढ़ा के आ गए। उस भक्ति के प्रभाव से, मंदिर के दर्शन करने से, जनालय में जाने से उसका फल ये मिला कि तुम राजा के यहाँ बेटी बन गए। लेकिन बेटा तुमने उस समय अपना विवेक खो रहे थे, हाथ पैर धो के प्रवेश नहीं किया, हाथ पैर में मल छपा रहा, दूध गए, इस कारण से आपके हाथ और पैर में क्या रोग है? कुष्ठ रोग, चर्म रोग है, खुजली है। अब बताओ बेटे कि जब उसे ग्वाली ने मंदिर तो गया था भक्ति की, लेकिन हाथ पैर धोकर के नहीं गया। अब आप कहो कि महाराज उसके पैर में तो कीचड़ छपा था, हमारे पैर में थोड़ी कीचड़ छपा है, ये प्रश्न उठ सकता है ना बच्चों? उठता है ना? हाँ उठता ही होगा, क्योंकि हमारे हाथ पैर साफ है। तो बेटा अगर बिना हाथ पैर धो के आओगे ना तो जो सफेद दाग हाथ पैर में होते ना, ऐसी सफेद चमड़ी तो रहेगी, ये सफेद लोग तुम्हारे होंगे, फिर क्या करूं? उसने कीचड़ छपा था, इसलिए खुजली हो रही थी, गलत रोग था, कुष्ठ रोग था, लेकिन हम तो साफ पैर में बिना पैर धोए जूता उतारे सीधे सीधे प्रवेश कर गए, चप्पल उतारे सीधे प्रवेश कर गए, साफ पैर दिख रहे थे, कीचड़ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर हम ऐसे बिना हाथ पैर धोए चले गए, इसलिए बहुत से लोगों को देखते ना कि कहीं हाथों में सफेद था, पैरों में सफेद दाग, इतना नहीं कि पूरे शरीर में भी सफेद दाग हो जाती है। यही परिणाम है कि विवेक पूर्वक हम प्रवेश नहीं करते, भक्ति के तो कर आते हैं, लेकिन जब ये रोग आ गया महाराज, ये रोग आ गया, ये सफेद दाग हो गए महाराज, मेरे यहाँ दाग, सिर में दाग, कहीं पैर में दाग, ये मन छपा करके जो प्रवेश किए हैं ना, इसकी काय किस्म की बोली गई है, इसलिए स्नान करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, किसी भी प्रकार का मन नहीं छपा रहना चाहिए। अब बताओ बेटो कि हमें मंदिर में कैसे प्रवेश करना चाहिए? मोजे पहन के प्रवेश करना चाहिए, हाथ पैर धो के आना चाहिए कि बिना धो के आना चाहिए? धोकर आना चाहिए, ठीक है ना? अब बच्चों अगर तुम्हारे मंदिर में पूजा करना है तो आप घर से धोती दुपट्टा पहन के आओगे तो चप्पल पहन के आओगे तो सोने के कहलाओगे या सोने के कैसे आओगे? सोले के कहलाओगे या सोले के? असोले के। अब तुम्हारी धोती दुपट्टे
सुनिए, अब आप ये कहोगे महाराज जी हम चप्पल की तरह इसमें पहन के आते हैं, रास्ते में गंदगी रहती है, मल जला रहता है और धूल उतरा कर रहते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए कि पैर ना रख जाए इसलिए चप्पल जूते पहन के आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, पहन के आओगे, लेकिन जो सोने के वस्त्र है वो अब आपके सोने के वस्त्र नहीं कहलाएंगे। आप आइए, एक सोने के कपड़े मंदिर में अलग अलग व्यवस्था कर दीजिए, धो के यहीं डालिए, कदाचित नहीं डाल पाते हो तो अपने घर से सोने के कपड़े पॉलिथीन में बना के लाइए और यहाँ पर हाथ पैर धो करके मंदिर में प्रवेश करो, फिर वहाँ पर एकांत में जाके वस्त्र बदलो, फिर सिद्धि की पूजा अभिषेक करो। कई लोग तो बच्चों ऐसे करते घाट में बैठ के आ जाते हैं, दूर दूर घर है, चौका लगाई है, वहीं से सोना बदला और बैठ के गाड़ी में एक्टिवा में आ गए कि प्रणाम करने आना है सोने के कपड़े। ये आपके सोने के कपड़े नहीं बचे, अगर ऐसे अचोले में हाथ हो गए तो वो भूमि का फल मिलेगा, फल तो मिलेगा क्योंकि पूजा की नौदावा की, लेकिन विवेक पूर्वक नहीं किया तो उसका फल क्या मिलेगा? वो हम सब कुछ अच्छा करना चाहते, अच्छा दिखाना चाहते, अच्छा बनना चाहते, लेकिन गलती ऐसी हो जाती माँ की दवाई तो हम समय पर खा रहे हैं, सही खा रहे हैं, लेकिन परहेज यदि कर पा रहे तो इसलिए हम ठीक नहीं हो पा रहे। आपका चौका दूर है, आप पैदल चलने में असमर्थ हो तो आप 16 मिनट की मत आइए, यहाँ आइए, यहाँ 16 मिनट लेंगे, कदाचित यहाँ भी बदलने का समय नहीं है तो गैर 16 मिनट प्रणाम दूर से करिए और बोल देना कि हम घर में जाके पुनः बदलेंगे, ठीक है ना। अगर वहां से आए तो अलग खड़े हो जाएंगे और पता संकेत कर दो कि गैर 16 मिनट प्रणाम करें, क्योंकि दूसरे गाड़ी से आए हम घर जाके बस में बदल देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से बस महाराज जी ने थोड़ी देखा, यहाँ गाड़ी के साथ खड़े करिए, आप प्रणाम के महाराज जी के साथ साथ चले, ना जूता चप्पल पहन के 16 बजता है, ना गाड़ी में बैठ के आने से 16 बजता है, तो ये भूल चलते ही फिर भूलों को सुधार लेना। ये विषय बच्चों का है, बच्चे लोगों का है, बच्चों को आज हम करेंगे तो बच्चे वही देखेंगे, वही करेंगे, ठीक है ना। तो मंदिर में प्रवेश करते हुए क्या करना चाहिए बेटा, क्या कितनी बार क्या बोलना चाहिए? निस्सही निस्सही निस्सही। और क्या करना चाहिए? 3 बार घंटा बजाना चाहिए। क्यों करना चाहिए घंटा? अब आप लोग के हाथ भी पूजे में तो क्या करोगे, तो घंटा नहीं बजा पाते, तो कम से कम 3 बार निस्सही 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 बोलना ही चाहिए। निस्सही इसलिए बोलना चाहिए कि इसे मंदिर में जनालय में भवन वासी देव जो देवी देवता होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो भी यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, भक्ति करने आते हैं, तो हम उनसे कहते हैं मुझे भी दर्शन करना है, मुझे स्थान दो, मुझे रास्ता दो। निस्सही निस्सही निस्सही, कदाचित हमारी आवाज वहां तक आगे तक नहीं पहुंच पा रही हो, इसलिए हम घंटा का 3 बार नाद करते हैं कि घंटे की ध्वनि 3 बार गूंजेगी, गुंजाय मारोगी तो वो आवाज तुम्हें बैठगी, तो देखने वाला समय कोई आ रहा है तो वो अपने आप रास्ता देगा। इस प्रकार से हमें मंदिर में प्रवेश करना है। और दूसरी बात देखो, हम यहाँ संस्कार बहुत चला है, माँ घर से क्या लेके आते हो, द्रव्या क्या आती हो ना, सभी बच्चे लोग डिब्बे में माँ कह देती है ना कि लो बेटा ये मंदिर चलाना, तो मंदिर में हम डिब्बे में क्या लेके आते हैं? द्रव्य, चावल नहीं, द्रव्य। क्या लेके आते हैं? द्रव्य लेके आते हैं, वो हाथ में लेकर के भगवान के सामने चढ़ा देते हैं, चढ़ा देते हो ना। जिन लोग अभी ऐसी गलती है, आप लोग नहीं बेटा, ये माताएं भी गलती करती हैं, दादा लोग युवा लोग भी यही गलती कर रहे हैं कि घर से चावल लाए और ये डिब्बे लाए, कोई डिब्बे लाए तो सीधे निकाला और चढ़ा देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। सब में पहले हमें द्रव्य लाना है, पहले द्रव्य को धोना है, बिना धोने जो द्रव्य जनालय में चढ़ाता है वह दुनिया में से दरिद्रता को प्राप्त कर रहा है। नियम से दरिद्रता को निमंत्रण दे रहा है, क्यों? जो द्रव्य धो के चढ़ाना, देख के चढ़ाना चाहिए। हमने भले ही घर से धो के, हमारी सास आगे बैठी है बिल्कुल नई पूरे चावल निकाल के लाई है, कोई भी चीज नहीं है, ऐसे चढ़ाओगे उसका फल दरिद्रता का फल मिलेगा, उसका फल तुम्हें दासी के यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। दासी का मतलब हमारा था, दासी का मतलब अब यही तो है कि तुम्हारी मम्मी कोई टीचर बनी है, कोई जॉब कर रही है, अब वो भी तो किसी की जॉब दासी है कि नहीं, तुम्हारे पिताजी दास है कि नहीं, किसी का जॉब कर रहे, अब उनके बेटे बनिए तुम जन्म ले रहे, ये उसका फल मिल रहा है।
लक्ष्य रखा कि मेरे पिताजी जॉब पा रहे हैं, मम्मी मेरी जॉब पा रही कहने के लिए, लेकिन ये फल असरदार फल है कि जो हम धर्म चढ़ा के दासियों के यहाँ पैदा हो रहे हैं। इसलिए बच्चों जब भी मंदिर आए, माता जाने घर से बच्चों को टीवी में जो द्रव्य है वहीं से धोके दें, ठीक है ना, ताकि बच्चे अबोध हैं, कम से कम इनको फल तो अच्छा मिले। और जब भी हम आए तो थोड़ा सा चल लेकर कि यहाँ धोए, फिर मंदिर में द्रव्य धोके ही चढ़ाना चाहिए, बिना धोने द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, ये नहीं कि तीर्थ भरना करने जा रहे महाराज जी मोहन भाई अब तो सीधे पोटली में जाएंगे चढ़ा के आ रहे, चढ़ाए हम कुछ और भाव से रहते हैं फल को सुखा। तो कुछ क्रियाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, कुछ क्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है, जरूरी नहीं कि भावों का ही प्रभाव पड़ता है, क्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है, माँ क्रियाओं से भी फल मिल जाता है। अगर क्रियाओं से फल नहीं मिलता तो माँ यहाँ पर धूप अग्नि में क्यों, तुम्हें सुगंध आती है दुर्गंध आती है। अगर यही पर मिर्ची एक एक मिर्ची जला दी जाए तो बताओ तुम्हें क्या लगे, धसका लगे कि नहीं लगे, क्यों धसका क्यों लग गया, ये तो धुआं यहाँ किया गया था, तो भावों में खराब होगी, भाव तो सही तरीके से धसका ही किया कि तुम्हें असर हुआ कि नहीं हुआ। जो अच्छी द्रव्य से कुछ नहीं कर रहा था, अच्छी द्रव्य सजाए थे तो द्रव्य देखती देखते मान लो कि हम भी अच्छी पूजा कर रहे, अच्छे संगीत चला तो हमारे भी मन बदल गए, लोग क्रिया चले कहते कि हमें भाव बदलने के लिए बदले, तो क्रियाओं को भी प्रभाव पड़ता है और क्रियाएं भी प्रभावकारी होती है। तो इसलिए द्रव्य धो लेकर ही चढ़ाना चाहिए, समझ में आ गया ना बच्चों, द्रव्य कैसे चढ़ाने चाहिए, धुली हुई द्रव्य चढ़ाना चाहिए। अब जिनेंद्र भगवान के सामने जब हम द्रव्य चढ़ाते हैं तो सर्वप्रथम नौ बार हम का बोलते हैं, नौ बार नहीं बोले तो एक बार पति नमस्कार मानते तो बोलना ही चाहिए, रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम नमो आयम नमो वंशायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। और अगर चौबीसों भगवान के नाम याद हो तो चौबीसों भगवान के नाम बोल सकते हैं, नहीं तो पति नमस्कार मत पढ़ के पंच प्रकृति के सामने कितने बार द्रव्य चढ़ानी चाहिए, कितनी बार, पांच बार। लेकिन हम क्या करते हैं, माता यहाँ हमने कितनी से एक बार कर दी हो, ये स्वाहा जैसे लगा दी, नहीं अरहंत प्रकृति की प्रतिमा के सामने पांच बार चढ़ाना चाहिए, क्यों, नमो हरिहंताराम नमो सिद्धाराम। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ऐसी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी अंदर द्रव्य होनी चाहिए, मिट्टी बन नमोरी हंताराम नमो सिद्धाराम नमो आयंगियाराम नमो पचर नम लोए, ये कितने बार हुए, पांच बार। किसके सामने, जिनेंद्र प्रतिमा के सामने पांच बार चढ़ाना चाहिए। अगर आपके सामने मुनिराज बैठे हो, आचार प्रतिष्ठित बैठे हो तो उनके सामने तीन बार, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, ठीक है ना। अगर कहीं की जिनवाणी रखी है, जिनवाणी का विराजमान है तो उनके सामने चार बार, प्रथमा योग करणा योग चरणा योग और द्रव्या योग, ये चारों अनियोगों को नमस्कार हो, ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों। किसके सामने कितनी बार द्रव्य चढ़ाने चाहिए, अनंत प्रकृति के सामने, आचार्य प्रकृति और साधु प्रकृति के सामने, आरिका माता जी के सामने एक बार, जिनवाणी माता जी के सामने चार बार। हमने क्यों जब माता जी बोला, आगे तुमने सुना था माता, अब पता नहीं माता जी जो की बैठे है ना, इसलिए जिनवाणी का मतलब जो ग्रंथ रखे हैं इन ग्रंथों के सामने, ऐसे कि अंदर अलमारी में डाल के आ जाओ, अलग से जो पात्र है अलग से जो केवल रखे उन्हीं के ऊपर, ना कि किताब के ऊपर रख के आना, ना ग्रंथ के ऊपर चढ़ा के आना, ठीक है ना। और फिर नमस्कार कैसे करना चाहिए, गवासन से, कैसे करना चाहिए, गवासन से, गवासन जैसे गाय पीछे पैर मोड़ के बैठती ना पुष्पकार। लेकिन ध्यान रखना, साष्टांग भी नमस्कार कर सकते हैं, पंचांग भी नमस्कार कर सकते हैं, है ना, गवासन से भी नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन माताओं को और मुनियों को मात्र आगम में गवासन से ही नमस्कार बोला है, इन्हें पंचांग नमस्कार नहीं बोला, अष्टांग भी नहीं बोला, मुनियों को और माताओं को, स्त्रियों
इन्हें गवासन से ही नमस्कार है, इसके अलावा कोई भी नमस्कार नहीं कर सकती, ये सांस नाम नहीं ले सकती, ये पंचांग नहीं कर सकती। उठने के बाद क्या है, जो धोखदल है इनके लिए मर्यादा का बताया कि इनकी मर्यादा में रहना है, ना मुनिराज कैसे नमस्कार सकते हैं, मां तुमने गवासन ही बताया। ठीक है ना बच्चों, वो आप लोग जो पुरुष है वो साष्टांग जो सावक होती है वो साष्टांग नमस्कार कर सकते हैं। ये हमारा नमस्कार कितने लोग जो हमारे चढ़ाते हैं चौबीस भगवान के नाम, कितने लोगों को बनता है हाथ ऊपर करो चौबीस भगवान के नाम, बच्चे लोग बच्चे लोग हैं सबको याद है चौबीस भगवान के नाम, चिन्ह साहित की बिना चिन्ह के चिन्ह साहित नाम। अगर हम आपसे कहेंगे बिना चिन्ह के भगवान के नाम बताओ तो बिना चिन्ह के कितने लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया। अब देखो जितने लोग से नहीं बनता अब सब लोग याद करके आना, कैसे याद करेंगे, जब भी हम मंदिर आए पहले पंच नमस्कार नाम पढ़ेंगे और फिर चौबीस भगवान का नाम लेके आगे चढ़ाएंगे तो समय लगेगा, पहले सोमनाथ दूसरे अरिंद्रनाथ इस तरह से समय लगेगा ना। तो देखो चौबीस भगवान के नाम हम कैसे जल्दी पढ़ेंगे, तो दो मिनट में पढ़ के अपना आगे चढ़ा देंगे। ऋषभे अजित संभव अभिनंदन, बोलो बच्चे सुन लो, ऋषभे अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद में सुपास चिन्हराज, चंद पुष्प शीतल श्रेयांश जिन बांश पूज पूजित सुरराज, विमल अनंत धर्म जस उज्जल शांति कुंठ हर मल्ली वनाय, मुनि सुब्रत नमिने निपास प्रभु वरदे मान पद शीष झुकाय। बस ये रोज पढ़ना है और अपना अर्घ चढ़ा देना, तो तुम्हारी चौबीस ही भगवान की स्तुति हो गई, चौबीस भगवान की वंदना हो गई, चौबीस भगवान की प्रार्थना हो गई, ठीक है ना। शॉर्ट रूप में हो गए ना, चौबीस भगवान का नाम भी हो गई, चौबीस का अर्घ भी चढ़ा दिया और हमारा पंच नमस्कार मत है। तो ये माताएं अपने अपने बच्चों को सभी पढ़ सबको सारी क्रियाएं बताई जाएंगी, वैसे भी आप यहाँ बहुत से चतुर्मास हुए दीदी लोग पाठशाला पढ़ाते हैं सबको आपको सिखाते ही होंगे कैसे पूजन करना है ना। तो पूजन में कितने द्रव्य थे बेटा, आठ, आठ द्रव्य के नाम कोई बताएगा, अरे है ना। तो ये हम इसको कैसे बताएंगे, कोई हमसे पूछे कि आठ द्रव्य के नाम बता तो कैसे बताओगे जल्दी जल्दी, समय लग गया ना। अब देखो समय को कम करना है, कैसे बोलोगे, होता के चंदन तांतुल पुष्प कंचन सुदीप सुधूमल हर कई, बस एक ही नाम बोलना है, हो गए आठ द्रव्य, आठ द्रव्य हो गए ना, उधर से उधर किंचन चंदन तांतुल, तांतुल में चावल क्या होता है, चावल अक्षय जिसको बोलते हैं, वो तके चंदन तांतुल पुष्प कई चरु सुदीप, चरु मीन होता है सुधरम नैवेद्य, चरु मीन क्या होता है नैवेद्य, ठीक है ना। नहीं तो कहोगे महाराज इसमें नैवेद्य तो नाम आया नहीं, अक्षय तो नाम आया नहीं, जल तो नाम आया नहीं, कैसे आठ हो गए, उदक जल को उदक बोलते हैं, उदक चंदन तांतुल मीन अक्षर चावल जिसको बोलते हैं साबु, तो अच्छा फिर उधर के चंदन तांडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधु फल अर्घ कई, पर ये लाइन में हमारे आठ द्रव्य आ गए। कभी कोई पूछे तुरंत एक लाइन को नहीं बनते एक एक करके गिना के कि हम क्रम से बता पाए ना बता पाए, इसलिए क्रम से हम इसको एक लाइन पढ़ेंगे अपने आप हमको पूरे आठ द्रव्य के नाम बता देंगे, ठीक है ना। अब ये जल ही क्यों पहले रखा, अक्षर तो उसके चंदन पर उसके बाद क्यों रखा, अक्षर क्यों रखा, अरे आज व्रत से पूजा करना, कभी कर लो कभी जल चढ़ा दो कभी चंदन कभी पुष्प चढ़ा दो कभी दीप चढ़ा दो, आगे से तो करना है। कितने लोग जानते हैं कि आगे पीछे क्यों नहीं होना चाहिए, बच्चे लोग की बात है, ये बच्चे लोग हमें मालूम आप लोग स्वाध्यायी हो ज्ञान है, आप लोग बहुत प्रवचन सुने बहुत भूमियों के समागम पढ़ने जी विद्वानों कर लिया विधान में बैठे, लेकिन बच्चों को ज्ञान कराना है कि
आखिर पहले जल क्यों, विचंदन क्यों, अच्छा क्यों, जबकि लक्ष्य तो ये नहीं है ना। लक्ष्य क्या है? उसका मुख छिपाना, कभी भी आगे पीछे करा लो, नहीं ये भी कमजोर का है। ठीक है ना, आप कपड़े पहनना है, अरे कपड़े तो पहन के जाना, तो पहले पैंट पहन लो, पहले चड्डी पहन लो, पहन के ना कपड़े तो नाप नहीं है, तो पहन नहीं है, पहले सच पहन लो, उसके बाद बनियान पहन लो, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा। जो जैसे क्रम है उसी क्रम के पहनोगे तो अच्छा लगेगा। अब बताओ, हाथ की अंगूठी पैर में पहन लो और पैर की पायल गले में पहन लो, तो सरकार अच्छा लगेगा क्या? अरे सरकार तो है ना, हमारा पूरे जेवरात पहन रही है। अरे जेवरात जहाँ जो पहनना है जैसे पहना उसको यथा योग जहाँ पहनोगे तभी शोभा को प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं कि पाँव की पायल गले में पहन लो, गले का हाथ पाँव में, ऐसा नहीं होता। इसके क्रम से क्यों रखा गया, क्यों कैसी शोभा जिसकी है वहाँ, तो हम ये अब कल समझेंगे क्योंकि समय हो गया। ठीक है ना, अभी अभी और ये समझना है कि हमें नमस्कार जब करते समय भगवान के हमने आगे चढ़ा दी फिर क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो कल यहीं पे अपना आज यही समय हो गया, तो आपको कहानी भी सुना दी, पाठ भी हो गई। अब अपने सरस्वती की स्तुति बंदना हम उसकी नहीं लिख रहे हैं, अभी दो लाइन ही आपको दोहरा रहे हैं, इसी दो लाइन से आगे कल और बढ़ा देंगे, रोज बनाते रहे तो एक दिन पूरी स्तुति। तो सभी लोग बच्चे बोलेंगे भवनासिनी भवितारिणी, भवनासिनी भवितारिणी, जिनेवाणी मां तुमको नमः, भवितारिणी जिनेवाणी मां तुमको नमः, श्रद्धा सुमन तुमको समर्पण कर दो तुम मुझको सुमन, श्रद्धा सुमन तुमको पितृमन कर दो सुमन, जिनेवाणी मां भवनासिनी भवितारिणी, जिनेवाणी मां तुमको नमन। ठीक है, ये पहली है, अब इसके आगे कल बना के सुनाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन याद कर लेना भवनासिनी, ये याद इसलिए कर लो कल हम भूल नहीं सकते, इसे याद कर लेना भवनासिनी भवितारिणी, जिनेवाणी मां तुमको नमन, भवनासिनी भवितारिणी, जिनेवाणी मां तुमको नमन। ठीक है ना, ये लाइन फिर आगे हम कल से लिख के हो सके तो कल पूरा बना भी लेंगे रात भर में, तो ये कल आपके सामने दे देंगे, फिर कोई भी इसको टाइप करा के बच्चों तक पहुंचा देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है ना, ताकि ये बच्चे याद करेंगे, जिनवाणी की स्थिति हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, और जो बच्चों की पाठशाला वाली बनना है वो बनना भी हम लिख के दे देंगे डबल को।